यार तेरी वजह से मैच आ रहे हैं। बाबर आउट हो गया यार। अस्सलाम वालेकुम, शाही बिलाल में आपको एक बार फिर स्वागत करते हैं। सोमन शाही आपकी नई बार फिर से खबर है, तो आज का बता दूं मैं शुरू तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिए करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस किया करें ताकि इस तरह की और वीडियोस आप लोगों तक आसानी जी। संडे नाश्ता वगैरह कर लिया, नाश्ता वगैरह करना है और आज मैच भी है पाकिस्तान और इंडिया का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बाइक के भी हालात माड़े हुए हैं, बड़े जाना वो धुलाने वाला हुआ है, देखें कितनी बुरी हालत हुई हुई है, धूप निकली हुई है अभी आज काफी। सो अभी हम जा रहे हैं मैच देखने, पता नहीं है ये कोई नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन ये पता है कि मैच देखने जाना है। आधा 15 मिनट रह गए हैं, कदाफी स्टेडियम वाली साइड पर जाते हैं, अगर वहाँ पर मैच हुआ तो ठीक है। हेयर इट इज़ कज़ाफी स्टेडियम अल हमरा आर्ट्स, इस साइड पे भी जो है ना वो ओपन एयर थिएटर में भी मैच है और ये हॉकी ग्राउंड है, इस साइड पे ये हॉकी ग्राउंड है, ये ओपन एयर थिएटर है और इधर मैच लगा है, वो सामने स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन एंट्री फ्री नहीं है मेरे ख्याल में। आप इस साइड पे है लेकिन टिकटें महंगी हैं, 500 ज़्यादा आपकी टिकट है। इमरान रियाज खान ने कैंप लगाया हुआ है सैलाब ज़दगान के लिए, यहाँ पे कल हम देने आएंगे तो ईद कुछ ना कुछ, ठीक है हूँ की करना ही। अभी हमें स्क्रीन ही नहीं मिल रही। वाह जी वाह यार, पता है स्टेडियम की कितनी टिकट है? 300 रुपया, तो उन्होंने पता कितनी रखी है? 1000 रुपया की टिकट। हाँ हाँ ओया स्क्रीन सामने यार तेरे लगे है, भी स्क्रीन है। हाँ वो देखें, वो देखें वो पड़ी हुई है, क्या पड़ी इस साइड पे होटल है, इस साइड पे आगे ग्राउंड है। वाह हम देखें यार है भी बंदे हैं। ये हमारा सिंगर है, ये इसने शूज पहने हुए हैं। ओ ओ शान अंजम आउट होने लगा था। ओ भाई आउट नहीं होना यार, टेंशन ना लाए, 155 तो जीरो सी ना, हां कौन भी अंजी रहेगा शान अंजम। एक यहां पे हमें स्क्रीन मिली है, शान अंजम भाई बैठ गए हुए हैं, लोग देख रहे हैं मैच। इस साइड पर भी है होटल में लगा हुआ है, उम्मीद है अंदर होने देंगे एंटर। और अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से हमें मिल गया है होटल, इस साइड पे हमने मैच देखने। बाबर आउट हो गया यार, ये काम ख़राब हुआ है, ये देखें जी फिर मैच देखने बाबर आउट करा है यार। कैच आउट हुआ बाबर यार, बाबर आउट हो गया है और अभी सेकंड विकेट है। हियर इज शियान अंजुम, ये यार आवाज से नहीं आ रही होगी। और मज़े की बात, यही जो होटल है ना ये इनका स्पॉन्सर भी है, इनकी जो ये है पार्क व्यू होटल, तो ये जो होटल है ना इस होटल का नाम आप पाकिस्तान टीम की शर्टों पर भी देख सकते हैं, पार्क व्यू। तक्का
यार यार की करता है यार हालात माड़े ने पाकिस्तान में स्कोर है ओल, 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 बड़ा बुरा हो रहा है यार आज मैच सही नहीं हो रहा। बाबर आजम आउट हो गया, रिजवान आउट हो गया, सारे आउट होने वाले हैं यार हो रहे हैं। तो 95 रन और 14 ये देखें आज अच्छा नहीं हो रहा मैच। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो अभी आधा मैच पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान मैच आ रहा है मतलब स्कोर कोई नहीं है ना, इसलिए ये देखें वाम जा रही है यार, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। और वाम जा रही है इस बंदे ने मैच रहा है। आउट करा लैन दे, शिदाब भी आउट हो गया, शिदाब भी आउट हो गया। आओ की लवा वीडियो बनावा, चलो की आवे यार हम इतनी दूर से मैच देखने आए हैं और मैच का तो बेड़ा गर्क हो गया है। अब बाइक निकाल के जाने लगे, लास्ट ओवर है तो लास्ट ही विकेट है यार। इतने जल्दी आउट हो रहे हैं पाकिस्तान के, समझ नहीं आ रही, इतने आउट हो रहे हैं ना पाकिस्तान की, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। ये देखो ये बंदे मेरे साथ मैच देखने आए थे, बड़ा गर्क कर दिया है। क्या नियम, कैसा फील हो रहा है आपको हरा के मैच? भाई बात सिंपल सी है, आप जल्दी नहा के निकल आते, टॉस पाकिस्तान जीत जाता। तो बैटिंग जो थी ना हमने उनसे करवानी थी, बॉलिंग पिची थी क्योंकि बाद में बॉलिंग वैसे भी खराब होनी है क्योंकि ड्यू होना है। तो शुरू में ये था अगर बैटिंग हम उनको देते, स्विंग करवा के जल्दी उनकी विकेट पकड़ देते तो हम भी उनकी इसी टारगेट में पकड़ते। इसका मतलब है हम पके रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ सिंगर साहब मौजूद है। जी सिंगर साहब बताएं जरा आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा? जी जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कितों जीत जाएगा पाकिस्तान? किधर से जीतेगा? अंदर चौका भाई मेरी बात, मैं सारा पाकिस्तान, पाकिस्तान इतने हारने का सारा क्रेडिट जो है वो मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। मैं तो आप लोगों को ये बंदे रूम में बैठ के देखने लगे थे, मैं इनको स्पेशल बाय ले गया, मैंने कहा सपोर्ट करनी है। इसी की वजह से हम पाकिस्तान को जो है ये दिन देखना पड़ रहा है जो के ये हम जीत सकते थे, आसानी से जीत सकते थे यार। ये काम खराब हुआ, ये आपने गलत किया। अभी चले खाना खाना, जिम्मेदार है, चले आप खाना खाना खाएं। जी बिल्कुल, खाना इतना बोल लिया, खाना तो बनता है भाई। इधर से खाना है, प्लेटर खाएं, दिल करेगा चलो प्लेटर प्लेटर खा लेते हैं, प्लेटर हम ही खाएंगे। ये देख ले वाम का जमे गफीर, कितनी वाम है यार इस साइड पे देखिए, और इस साइड पे देखिए कितनी वाम है। ओ ऊपर भी स्क्रीन लगी हुई है, अंदर भी स्क्रीन लगी हुई है। ये लोग जो है ना, ये पार्क भी होटल जो इनका ऑफिशियल स्पॉन्सर है, जो कि जिसने वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया है, एशिया कप को, सॉरी। अभी हम वापस जा रहे हैं, इन्हें ख़त्म हो गया। कितना स्कोर?
हाँ जी क्या सूरत है मानना वो तेरी है इन सर्च ऑफ वाटर। अभी हम वापस जा रहे हैं, बाकी का मैच हम वहाँ पे जाके देखेंगे। मैच हारने के बाद कुछ इस तरह की इस बंदे ने मैच हरा दिया। मेरी बात तुम जल्दी कर लेते ना थोड़ी सी। क्या जल्दी कर ले यार, तुम वॉशरूम में नहाने लग जाओ, आधा घंटा लगा दी तुमने, चार्ज करवानी थी हमें। मैं जारी की बात है, वो भी जरूरी काम था यार, जरूरी काम छोड़ देते हैं, पाकिस्तान की बात थी भाई, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात थी। तो वो वेट नहीं कर रहे थे मेरे लिए, टास लेट कर दिया। हां यार तेरी वजह से मैच आ रहे हैं, टास लेट कर। नहीं यार तुमने गलत किया, नहीं टास ही लेट कर लिया। मैं तुम्हें कहता हूँ जल्दी कर, जल्दी कर टास, मैं खुद देखता ना, तुम मम्मी तो खाता साल में, पाकिस्तान ने टास जीता, वो वर्ल्ड कप में जिताया था, जिताया जीते नहीं यार, पता है कौन मेरी बात, वर्ल्ड कप में टॉस जीते या नहीं यार, सामने करवाई तुम, तुम्हारे सामने टॉस करवाई मैंने, जीते या नहीं, गुस्सा आपका जाएगा, मैं गुस्सा आपका, लेकिन चलो जास टॉस हार गए, चैंपियन ट्रॉफी में मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने टॉस करवाई थी मैंने, हम उधर थे यूनिवर्सिटी में, जीते के नहीं यार, पता है क्या बंदे को गाड़ी से बाहर करना। नहीं यार आपने गलत किया, आपको मैंने बताया भी था यार जल्दी करो, ऐसे नहीं होगा, इतनी देर से हम इंतजार कर रहे थे। अब इसका यार, इसका हाल ये है कि तुमने गलत किया है, तुम्हें इसका जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना नहीं मतलब क्या, अब हार तो गई है पाकिस्तान मैच, अब इसका सलूशन और क्या निकले, मेरे जुर्माना देने से वो जीत जाएगी। तुम्हारे जुर्माना देने से ये होगा कि तुम अगली बार कभी ये गलती नहीं करोगे, अगली बार पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं, क्यों नहीं होगा, अभी फिर आना है फाइनल, फिर हमने खेलना है। अगर पहली बार निकल गई तो इंडिया नहीं बाहर निकलेगी भाई, जो हमें हरा देता है वो हमारे साथ फाइनल खेलता है, ये कन्फर्म बात है। अच्छा ना, हाँ हमने अब ये खेलना ना फाइनल जब, तो फिर मैच होना है, अब तब अगर तुम्हारी फिर गलती होगी, बल्कि तुमसे होता नहीं है, पहले जुर्माना अदा करो। इस चीज़ का आगे मुझे बताएं स्केड्यूल क्या है, पाकिस्तान का किस किस के साथ मैच यार, पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच जो है ना वो 2 सितंबर को है, ठीक है, किसके साथ है वो, मेरे ख्याल दूसरी जो लोकल टीम है ना उसके साथ है, वो जीत जाएगी, वो पाकिस्तान जीत जाएगा, फिर पाकिस्तान जो है वो सेकंड राउंड में आ जाएगा, सेकंड राउंड में आकर फिर दोबारा मैच होंगे। नहीं पहले राउंड में एक मैच जीत गए तो फिर सेकंड राउंड में आ, मेरे ख्याल में यार पहले राउंड में ना सिर्फ मैंने स्केड्यूल देखा था, मेरे सही तरह देखा नहीं वैसे, ये दोस्ताना मैच था पाकिस्तान और इंडिया यार, इसमें ना एक तीन तीन टीमें हैं एक ग्रुप में, अच्छा तो एक बार निकल जाएगी, बाद में दो ग्रुप रह जाएंगे, फिर उसमें चार चार टीमें हो जाएंगी, फिर जो चार चार टीमें होंगी ना वो आपस में भिड़ेंगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये गलत जा रहा है और नहीं भाई, दो ग्रुप बनने हैं ना, दो टीम रह जाएंगे एक ग्रुप में, दो टीम रह जाएंगे दूसरे ग्रुप में, फिर उनके जो सेमीफाइनल होंगे ना वो आपस में भिड़ेंगे। टीमें कौन कौन सी हैं एशिया कप? ओ भाई मैंगो करा टीमों को तो अपनी टीम है ना, पाकिस्तान इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, कितने साल बाद होता है एशिया कप यार, छोड़ इस चीज को। नहीं फिर भी, और नहीं यार तूने गलत किया, तूने मैच करवाया बकर भाई, शकरगढ़ से इधर आए हैं, ठीक है, सिर्फ मैच देखने के लिए तेरा आ गया बिच, तेरा आ गया, दोबारा बोल। अच्छा तो आपने देखा कि शान अंजुम जो है वो अभी ज़हनी तनाव का शिकार है, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच था और पाकिस्तान हार गया, और मैंने तो पहले ही कहा था शान भाई कि पाकिस्तान ने हार जाना है, क्योंकि ये जो बंदे है ना, ये बंदा मेरी उर्दू करेक्शन करा रहा है, और है ये वैसे, इसने इंग्लिश की करेक्शन करवानी थी, दूसरा ये कि ये बंदा है सिंगर, तुम्हारा काम जो है ना वो तुम्हारा काम है गाने गाना, तुम्हारा काम ये करेक्शन कराना नहीं है। व्लॉग यहाँ तक ही था, जाहिर सी बात है मैच खत्म और व्लॉग खत्म, नहीं था आप लोगों का आज वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर करना लाजमी किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें, और साथ लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि इस तरह की और वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुँच रहे हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।